हरेला एक हिंदू त्यौहार है जो मूल रूप से उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है, जिसमें फूल और हरेले से देवी देवताओं को पूजा जाता है। इस दिन काफ़ी सारे पकवान बनाने के साथ साथ ही एक दूसरे को हरेला वगैरह भी पूजा जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। आज आप देख रहे भी मेरा जो ब्लॉग शुरू हो रहा है रात में शुरू हो रहा है। पहली बार मतलब ऐसा हो रहा होगा कि मतलब रात में मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। कल के दिन है हरेला, हरेले का त्यौहार है, तो आज के दिन उससे पहले दिन पे जिसको कि मसात बोलते हैं हमारे यहाँ पे पहाड़ में, तो उस दिन भाई हरेला वगैरह जो होता है ना उसको भाई घोड़ा जाता है। कल के दिन त्योहार है, कल ये हरेला मंदिरों में चढ़ता है दोस्तों। हमारा जो हरेला है इतना बड़ा हो रखा है दोस्तों, ये देखिए, और ये चाचा ने बो रखा था और आज इसमें पानी डाल करके आप इसको गोड़ रहे हैं। कैसा हो रहा है हरेला? बढ़िया हो रहा है, ठीक हो रहा है। गाइस बताएंगे कैसा हो रहा है हरेला? मंदिरों के लिए छोटी छोटी पुड़िया बना रखी है, घर के लिए तो बड़ी में लगा रखी है। गोड़ने के दिन भाई इनमें रखते हैं भेंट वगैरह भी, ये टोकरियों को बोलते हैं हमारे वहाँ ढकेन। तो अब जाकर के इनमें तिलक लग रहा है। तो हरेला जो बोया जाता है ना दोस्तों, वो 5 या फिर 7 बीजों का बनता है। तो इसकी जो गुड़ाई होती है ना हरेले की, ये भाई इन चीज़ों से होती है, जो ये टहनियाँ हैं ना, ये अनार दाड़िम वगैरह की, और तो क्या कह सकते हो, पहिया, ये पहिया का जो पेड़ होता है, पहिया के पेड़ से गोड़ते हैं। तो इसके बाद इसको इस तागे से बांधा जाता है पूरे हरेले को। पूरी है बना रखी है घर की वाली, ये ना ये देखिए जो घर की वाली टोकरी है वो बना रखी है भाई निंगाल वाली है। जो ये टोकरियाँ बना रखी है ये पत्तियों की ना, सामने जो टोकरी जिन टोकरी में हरेला बरखा है, ये है बल बेड़ू की पत्ती। ये हरेले का पानी कल देखो, कल चाचा बिल्कुल ऊपर से पाखे को टिप देते हैं। बहुत लंबा हो जाता है, बिल्कुल चीट के बेट की तरह। ये देखो ये चाचा कितने लंबे हो गए, ये ऊपर से बल्ली लगने लग गई सीधे। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यार दोस्तों, ये है इस ब्लॉग का सेकेंड डे भाई। बाकी आपने रात पे देखा, आपने हरेला वगैरह घोड़ा था ना, और आज भाई हरेले का त्यौहार है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो हमारा उत्तराखंड का जो लोक पर्व है हरेला, उसकी आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। नहाता हूँ मैं बढ़िया करके, आज त्यौहार है तो सुबह नहाता हूँ, उसके बाद मैंने जाना है मंदिर पे, शिलंग के मंदिर पे। ये चाचा भी जा रहे हैं धाना चोली, तो जहाँ पे हमारा मंदिर वगैरह है, हमारे जो इष्ट देव हैं वो वहीं पर हैं धाना चोली पे। तो चाचा जा रहे हैं वहाँ पर, मैं जा रहा हूँ शिलंग बुढ़मा गुड़ अपने। तो दोस्तों यार अभी देखिए भाई, फिलहाल मैं नहा करके एकदम मस्त रेडी हो गया हूँ। तो अभी फिलहाल मैं मंदिर को जाने के लिए तैयार हूँ। और हरिया धरिया दिली तो क्या गुड़ है, क्या करना सारे इसे रोड बनाते हैं। अच्छा रोड के लिए। हाँ। तो दोस्तों गुड़ वगैरह यहाँ पे देखिए डालने सुबह उसमें डेग में, इसका बनेगा रोड वगैरह। एकदम रेडी होकर के भाई निकल गया भाई अपने अपने बुढ़माला कोट को, तो शिलंग जहाँ पे कि शिलंग है मेरा बुढ़माला कोट, आपको पहले भी एक बार मैं गया हुआ था वहाँ पे। और सारा हरेला हरेला वगैरह फल पानी वगैरह सब चीज़ लेकर के चल गया हूँ वहाँ पे। मम्मी का माला कोट है, यानी कि जो मेरी नानी है ना, मेरी नानी का मायका है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग हर साल भाई अपनी भेंट वगैरह चढ़ाते हैं, हरेला वगैरह देते हैं वहाँ पे। बाकी दोस्तों अभी फटाफट जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आज अमावस्या भी है बल ना, तो हरेला जो है 12 बजे से पहले ही कट जाता है बल। तो इस वजह से फटाफट जाना पड़ेगा मेरे को, सीधे वहाँ जाके बूबू को दूंगा मैं हरेला। तो जो मेरे बुढ़माला कोट के बूबू हैं ना, तो वही पूछते हैं ना, वहाँ पे झापर देवता का और गंगनाथ देवता का मंदिर है, मंदिर देखिए जहाँ पे मैं उस दिन आया हुआ था ना। तो मैं सिलक को जा ही रहा था, तो अम्मा बोल रही थी भाई यहाँ पे अगर मंदिर पे कोई आए रहेगा तो भाई कॉल कर देना करके। मैं जा रहा था ना सीधे सिलंग जा रहा था मंदिर पे, रास्ते में मिले यहाँ पे भाई लोग, देखिए हाल चाल तिल्लो। बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत है दिनों बाद दिखना चाहिए वाटरफॉल भाई है जुड़ जुगे छोटू और ये लक्की भी। और लक्की के हाल चाल से बढ़िया, बड्डे में जाने तो लौटे वोटे सारी पार्टी वार्टी करके आ रहे हैं, बिल्कुल मस्त करके शाम को। और छोटू का देखिए यहाँ पे एक चप्पल गया नहीं, एक चप्पल गया एक चप्पल लेते गए घर से, देखिए 2 चप्पल लेके आया था और 1 चप्पल पता नहीं गया कर दिया उसने। मेरे खुटा में तो 2 है। हाँ चलिए सही बात, तेरे बैठे तो 2 है यार।
पता नहीं दोस्तों तिल्लो भाई की मतलब जो शॉट है वो पीछे से मतलब ऐसे ही भीगी होगी पानी में, लौटे मोटे बोल रहे तूने हक रखा है। चलो देख भाई बस कितनी देर ये तो गया इसके तो ये ऊपर यहीं यहीं पर ही है, इसी धार में मेरा बुधमाला कोट। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहे हैं, तो जिस हिसाब से मैंने घर से सोचा हुआ था कि इतने बजे पहुंच जाऊंगा करके, फाइनली पहुंच ही गया भाई 10 बजे में। थकान इतनी लग रही है ना भाई इस चढ़ाई में। तो दोस्तों ये देखिए, ये है अपने शिलंग बुधमाला कोट का मंदिर। तो यहाँ पे है गंगनाथ देवता का मंदिर। तो ये अपने बुधमाला कोट के बूबू हो गए जो कि इसको मतलब पूछते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों गंगनाथ देवता को रंगीले देव माना जाता है भाई। आप इनको मतलब फूल पाती वगैरह भी अगर चढ़ाते हो तो मतलब बोलते हैं कि खुश हो जाते हैं करके, उतने में ज़्यादा चढ़ावा इनको चाहिए नहीं। तो यहाँ पे देखिए बूबू अभी पूज रहे हैं और सामने बन रहा है प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रसाद वगैरह बन रहा है। तो अभी ये पहले यहाँ पे मंदिर में चढ़ेगा और उसके बाद फिर बांटेंगे इनको और घर के लिए भी देंगे फिर प्रसाद वगैरह। तो भाई दोस्तों यार अभी मैं आ गया हूँ भाई मंदिर से वहाँ से, और बाकी प्रसाद वसाद वगैरह लेकर के आ गया हूँ। तो और दिन तो हम आ जाते थे प्रसाद वगैरह कभी नानी लोग ले आते थे, आज नानी भी नहीं आई थी तो मैंने सोचा यार आज मैं रुक ही जाता हूँ थोड़ा यहाँ पे और प्रसाद वगैरह लेकर के जाऊँगा। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ भाई मंदिर से फाइनली घर पे, वो भी आ गए हैं देखिए आगे। अभी दोस्तों यहाँ पे पूजेंगे हरेला वगैरह। तो देखिए दोस्तों अभी मम्मी यहाँ मेरे को हरेला वगैरह पूज रही है। तो हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हरेले का त्योहार होता है ऐसे पूजा जाता है वो। लाग हरिया लाग सिर पंचमी लाग चैतो तू पूजने दूर तू आने रे दोस्तों ये आशीर्वाद दे दिया है। और बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और हरेला पूज दिया है बढ़िया के, बाकी देखिए तिल्लो भाई भी आ गया अभी है पैर लेकर के और हरिला पूछ रहे हैं आप यहाँ पे कैसे बनना है तिल्लो एक दो तीन एक दो तीन लगा दो दोस्तों तिल्लो भाई आ रहे थे इसको पूछता हूँ एक दो तीन लाल हरिया लाल भगवान लाल सिर पंचमी लाल चेता तू आने रे मैं तुझे पूछने रे तो आने रे मैं तुझे पूछने रे। अब जाकर के दिन में बन रहा है यहाँ पे रोड वगैरह। चाची मेरे मुंह बिल्कुल देखी पड़ी है इधर को देख तो रोड बनवा ची यार छुट्टी लाया तुम्हें यार भाई। अब जाकर के अम्मा मम्मी चाची यहाँ पे मतलब बना रहे हैं रोड भाई। तो हरेले के दिन ना दोस्तों एक ये वाली चीज़ भी बनती है रोड, जिसको कि भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बनता है गुड़ भाई, गुड़ के पानी से बनता है ना ये। और दोस्तों इनको रोटी की तरह बनाते हैं भैया, ये देखिए मोटी मोटी एकदम बिल्कुल रोटी से काफ़ी मोटी होती है। उसके बाद इन्हें बनाए जाते हैं होल वगैरह छेद, ताकि इनके अंदर जो भी है ना घी वगैरह वो चले जाता है, डालडा घी जो ये कच्ची नहीं रह पाएगी, ये पक जाएगी। ये पक जाएगी तब बनाते हैं ये सुराख। ये देख चूल्हे पे यहाँ पे ये रखी हुई है कितने कटहल कुटेल कुटेल ने कुटेल कुटेल है कुटेल कुटेल। ये देखिए दोस्तों अम्मा बोल दिया कुटेल है कुटेल 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 है कुटेल कुटेल रोड है ये कुटेल है बहुत बार तो बता ना पीछे है ये बेलन है मम्मी के खसन है गोल गोल बनाना है क्या ये मुझे बिल्कुल होल बनाना है ये देखा। और साथ साथ ही देखो यहाँ पे होल बनाते हुए चाची को नींद आ रही है दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चाची को नींद आ रही है भाई, ये शीतन में क्या लाई रे रे रोड होना चाहो होल होना चाहिए शीतन में लाई जी
तो दोस्तों यार बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही यहाँ। तो आज आपने देखा भाई, आज था उत्तराखंड के अंदर पे हरेले का त्यौहार। तो आप लोगों ने जो उत्तराखंड में रहते तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से मनाया होगा ये हरेले का त्यौहार। और बाकी जो लोग उत्तराखंड से बाहर से हैं, जहाँ पे मनाते नहीं है त्यौहार को, इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर पे पहाड़ों में हम लोग मतलब हरेला वगैरह मनाते हैं, हरेले का पर्व मनाते हैं। तो बाकी दोस्तों यार शाम भी हो गई है, तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर रखता हूँ, यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें यार। और बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आ रखे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाते हुए जाइए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको चैनल पर मिलती रहे। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।